मॉर्निंग एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ हमारे उत्तराखंड के माउंटेन्स में। आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर पहाड़ है और बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो गाइस, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, और मेरे घर से 2 घंटे की ड्राइव पे मैं आ सकता हूँ यहाँ के नेचर को देखने के लिए। इतना सुंदर है, ग्रीन माउंटेन, सुंदर रोड एंड ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो मेरे को बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को भी ये पसंद आते हैं ऐसे माउंटेन्स, ऐसा नेचर, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस को ऐसे माउंटेन्स और नेचर में रहना पसंद है। मैं आया हूँ क्यारा को लेके, क्यारा शूट कर रही है वीडियो, तो आज मैं क्यारा को लेके जाने वाला हूँ नैनीताल जू, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड सबसे अच्छी बात उस जू की ये है कि वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे रेस्क्यूड एनिमल्स हैं। तो आज हम मिलेंगे सारे एनिमल से, और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ कौन कौन से एनिमल से। इवन वहाँ पे टाइगर भी है, वहाँ पे कहते हैं कि एक स्नो लेपर्ड है। देखते हैं चल के वहाँ पे हमें स्नो लेपर्ड मिलेगा या नहीं। तो गाइस चलते हैं सीधे जू की तरफ। गाइस हम पहुंच रहे हैं जू, बट द थिंग इज हमने बाइक पार्क की है नीचे एंड हमें यहाँ से वॉक करके जाना पड़ेगा ऊपर। आप व्यू चेक करिए, व्यू कितना सुंदर है, यहाँ से सारे माउंटेन्स देख सकते हैं। हम लोग चल दिए ऊपर पर वाट लग रही है। क्या आपका डैडी बूढ़ा हो गया? इतनी सांस फूलती है ना मेरी, वैसे चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती, बट चढ़ेंगे आज, फिट है। चेकआउट डिजिटल स्क्रीन लगा रखी है यहाँ पे एंड इसमें सारे एनिमल्स दिख रहे हैं। यार मैंने इतना ट्रैक कभी नहीं किया, ओह फक, और वो भी इस एज में आने के बाद तो कभी नहीं। क्या रहा, तो ऐसे चढ़ी जा रही है, मेरी हालत ख़राब हो रही है। आई गेस पहुँच ही गए, देख सकते हो आप नेचर शॉप। ओह टिकट काउंटर हो रहा, थैंक गॉड, यार मैं तो मर जाता अभी। ओ भाई देख सकते हो ये रहा नैनीताल जू। ओ वाह कितना बढ़िया लिख रखा है। क्या रहा, मैं आ जाता हूँ टिकट काउंटर पे, और टिकट काउंटर पे आके प्राइस पता चलता है जो कि है 100-100 रुपये। क्यारा और मेरे दोनों के लगे 200 रुपये। मैंने 2 टिकट ली और हमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वहाँ पे क्या नहीं करना है, जैसे कि गार्बेज नहीं फैलाना है। तो मैं टिकट लेके फिर निकलते हैं ऊपर जू के लिए। ये है यहाँ का एंट्री गेट, मैंने टिकट ले लिए 2, यहाँ से करेंगे एंट्री। ये रिकॉर्ड कर सकता हूँ व्लॉग के लिए, अच्छा मेरे को लगा एक। हाँ कर दी गाइस, यहाँ पे हमारी पानी की बॉटल जमा करा ली है, बिकॉज हम ऊपर पानी लेके जाएंगे। मोस्टली टूरिस्ट लोग प्लास्टिक बॉटल ऊपर फेंक देते हैं, तो मैंने यहाँ 100 रुपये डिपॉजिट कर दिए भैया को, और ये टोकन मिल गया। अब आते टाइम टोकन दिखा के 100 रुपये वापस। गाइस स्टार्टिंग से ही टाइगर है, अब यहाँ देख सकते हो, मैं जूम करता हूँ, टाइगर के लिए है। एंड हमें वो जाल दिख रहा है ना, वहाँ है टाइगर, तो चलें क्या रहा टाइगर देखने, लेट्स गो। गाइस टाइगर आ गया है, वो देखो वहाँ घूम रहा है, मैं जूम करता हूँ वहाँ से, दिखेगा रुको, उधर चलते क्या रहा, आ जाओ। वो उसकी केव है अगर आपको दिख रही हो तो, वो देखो उसने मुंह खोला कितना प्यारा लग रहा है। लव टू सी एनिमल्स, जीव के निकाल रखे, ये समझ नहीं आ रहा, प्यास लग रही है। आई गेस धूप की वजह से वो इधर नहीं आ रहा, वो छाव में ही घूम रहा है उधर। आओ क्या रहा, चलते। ये है क्लोज एंगल, यहाँ से क्लोजली हम देख सकते हैं टाइगर को। गाइस ये पीछे हमारे टाइगर है, ही ऐसी चीज। फिलहाल तो जाल है, जाल की वजह से कोई डर नहीं है, बट रियल में देखने में अच्छे अच्छे लोगों की पैनिक ही हो जाती है। इस टाइगर के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ये है बंगाल टाइगर, आप इसके फैक्ट्स पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके आप देख सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे ये एनिमल्स भी हैं, आप देखो यहाँ पे रेड पांडा भी है। रवि ना, यहाँ रेड पांडा है, रवि को पांडा देखने का बहुत मन होता है। फिलहाल यहाँ पे रेड पांडा है, टाइगर, डियर। कई जम आए हैं बंगाल टाइगर देखने, यहाँ पे है बंगाल टाइगर, एक और वो कौन सा टाइगर था नीचे, फिर दिख तो रहा नहीं है कोई, है यहाँ पे टाइगर नहीं दिख रहा है कहीं पे। ओ वाओ
उसके लिए बैठने के लिए बना रखा है, देख रहे हो लकड़ी का, बहुत बढ़िया। पर टाइगर है कहाँ, लगता है थिएटर में ही देखना पड़ेगा। क्या रहा टाइगर थिएटर में तो आने वाला है भाई, यहाँ पे भी आ जा चला जा बहुत। गाइस जू की लोकेशन देखो यार, मैं तो लोकेशन से बड़ा खुश होता हूँ। बचपन में आया था एंड अब आया हूँ। पहाड़ देखो, पहाड़ के बाजू में जू, भाई मज़ा आ जाता है ऐसी लोकेशन पे। यार टाइगर उनको दिखा है कहीं, वो जूम कर रहे हैं, हम भी जाके देखते हैं है क्या वहाँ पे। गाइस ये दूसरा टाइगर है, आई थिंक सो टाइगर से वहाँ पर, ऊपर वाला टाइगर था, ये टाइगर से। चेकआउट हमें कौन मिला, ब्लैक बियर, रेस्ट कर रहे हैं भाई साहब। थोड़ा सा लिखा है लाइफ इज नथिंग विदाउट एनिमल, सच्ची में लाइफ का कोई मतलब नहीं है इनके बिना। देखो कौन मिला, हिमालयन गुरल, ये कितने प्यारे, दे आर लाइक गोट। हेलो बेबी, हेलो, हाउ आर यू बेबी, डू वांट मी टू पेट यू, डू यू वांट मी टू पेट यू, डू यू वांट मी टू पेट यू, ओह यू लाइक मी, आई नो यू लाइक मी, यू गुड बॉय। मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, कोई मिल गया पिक्चर तो सबने देखी होगी, और कोई मिल गया पिक्चर में जो ऋतिक रोशन जिस स्कूल में पढ़ा था ना, वो देखो वो रहा वो स्कूल, वही स्कूल दिखाया जिसमें ऋतिक रोशन को शूट किया था, शूट मतलब फिल्माया था। और ये है हमारी सरोवर नगरी, हमारी मतलब उत्तराखंड वालों की, जिसके लिए उत्तराखंड वाले गर्व करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है और जहाँ पे भर भर के टूरिस्ट आता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड से। यार को दिख चुका है लेपर्ड, वाह आप लोगों को दिखा क्या लेपर्ड भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अबे साले लेपर्ड भाई। मुझे रेड पांडा देखने को मिला है, बट यार वो घर के अंदर सो रहा है, वो देखो अगर आपको दिखे तो। हमें दिखा है पांडा, इसका फेस दिख रहा है, वो देखो हो रहा, ओ माय गॉड कितना क्यूट है ये, ओहो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। गाइस मैंने थोड़ा सा डिटोर लिया है, अलाउ नहीं है, पर मैं आ गया हूँ यहाँ पे, आपको कुछ दिखाना था। ये है केज है जिसमें आई गेस एनिमल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आप देख सकते हो। ये भी देखो, ये खाना खिलाने का स्पेस है, यहाँ से खाना डाला जाता है, वो शटर हटता होगा, फिर अंदर से एनिमल आता होगा और खाता होगा। बट फिलहाल ये देखो ना, एक लक दोनों ही लकड़ी के हैं, एंड इसी में आई गेस पैट्स को ट्रांसफ़र, पैट्स एनिमल्स और पैट वट एवर, बट इसी में ट्रांसफ़र किया जाता है, ये मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को। क्यारा को मिला है चीता, ओ वाह ये तो यहीं बैठा है, देखो धूप से देखा तो मैं जूम करता हूँ, ये रहा लेपर्ड, बड़ा ही प्यारा है। क्या है बेटा, एक ही रहा, वो नीचे वॉक कर रहा है। यार इनकी स्मेल अलग ही आ जाती है पता है, इनके पास से निकलो ना वो स्मेल नहीं, इनकी फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल नहीं कहेंगे, दैट साउंड रूड। देखो इसके लिए रस्सी भी लगा रखी है जंप करने के लिए बीच में, और ये नीचे वॉक वॉक खेल रहा है जेंगो की तरह, जेंगो भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। अगर जेंगो और इसका सामना हो जाए तो क्या होगा बेटा? इसमें नीचे से दिखाने के लिए लेके आया हूँ आपको, क्या अगर ये डैडी नीचे से देख सकता है, चलो यहीं खड़ा है, बहुत ही सुंदर कैट है यार ये, वन्य जीव प्रकृति का खजाना है जिसे हमें बचाना है। सो गाइस सेव एनिमल, सेव अवर प्लेनेट एंड सेव ग्रीन ट्रीज़।